कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि भैया कॉन्फिडेंस हाई जाने के बाद कप्तान अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों कर जाता है। हाँ, वो शादाब खान जो पिछले मैच के हीरो थे, जिन्होंने आकर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी थी शाहीन शाफरीदी पर, जिन्होंने पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को एक बड़ा संदेश दिया था, मेरी समझ से यह परे है कि आज वो 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने क्यों आए थे, वो भी तब जब उनकी टीम के महान ओपनर्स ने T20 मुकाबले की पहली 21 गेंदों पर महज 10 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 50 से नीचे चल रहा था, एक चौका दोनों ओपनर्स ने मिलकर मारा था। उस वक्त जब ताबड़तोड़ पारी खेलने की जरूरत थी, तब शादाब खान क्यों डगआउट में इंतजार कर रहे थे कि आज मैं 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने जाऊंगा। मेरी समझ से परे, खैर मेरी समझ से तो परे है, लेकिन इस्लामाबाद की समझ से भी ये परे है कि जो टीम 13 ओवर में 100 रन ठोक देती है, 144 पर कैसे ऑल आउट हो जाती है। 144 पर ऑल आउट, आखिरी के 7 ओवरों में 44 रन, आई मीन रिडिकुलस, एंड दैट इज द रीजन कि इस्लामाबाद की मुल्तान के सामने हार हो जाती है। वैसे मुल्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने भी बताया कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद से 19 नहीं है। इस्लामाबाद तो अपने आवेश में नहीं चला, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे गड्ढे हैं, या कहें कि उन गड्ढों के बीच में एक मिडिल ऑर्डर है जो लगभग हार गया था। वो तो भला हो कि रन कम थे, जैसे तैसे जीत, लेकिन मुल्तान के अंदर जो ये मुकाबला था, ये मुकाबला मुल्तान ने 5 विकेट से जीता, टॉस भी मुल्तान ने जीता। शुरुआत बहुत खराब थी, कॉलिन मुनरो को मौका मिला, जीवनदान मिला, लेकिन मोहम्मद अली ने उस जीवनदान के बाद कहा कि ठीक है, जो जीवन तुम्हें दान दिया है वो वापस लेते हैं क्योंकि तुम उसके लायक नहीं। नो बॉल थी, विकेट नहीं मिला, दोबारा डॉट डाली और उसके बाद गिल्लियां बिखेर दी, कहा जियो जाओ। कमाल की गेंदबाजी जो थी वो मोहम्मद अली की तरफ से, 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट। वैसे विकेट उन्हें और भी मिल जाते अगर कुछ महान लोगों ने कैच तमीज से पकड़ लिए होते, लेकिन ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग का असर यह था कि शुरू के चार ओवर में जो 20-21 रन बने थे वो बाद में कन्वर्ट होते होते 13 ओवर में 100 पहुंच जाते, लेकिन फिर वापस जब मोहम्मद अली या विली निकलकर सामने आते हैं तो ये टीम फिर से संघर्ष करती है और मुल्तान सुल्तान के सभी गेंदबाजों के चलते इस्लामाबाद यूनाइटेड संघर्ष करती नजर आती है। बड़े बड़े नाम इस टीम में थे, कॉलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स, सलमान अली आगा, जॉर्डन कॉक्स, आजम खान, इमाद वसीम, शादाब खान, फहीम अशरफ, नसीम शाह जैसे ऑलराउंडर्स, 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी, लेकिन उसके बावजूद ये टीम केवल 144 बना पाती है। शर्मनाक है, हैरान करने वाला है। अगर सलमान को हटा दी तो कोई बहुत अच्छी पारी नहीं आई, जॉर्डन ने ठीक ठाक पारी खेली लेकिन जीवनदान मिले, लेकिन आजम खान को लेकर सवाल बरकरार है कि उनका बल्ला क्यों नहीं चलता है, वजन बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस कम हो रही है, शादाब क्यों नीचे खेले, मेरी समझ से परे, इमाद का ना चलना, बहुत सारे सवाल जो है वो इन सवालों के बीच में नसीम शाह ने शुरुआत तो शानदार की थी, मलान की जब गिल्लियां बिखरी तो लोगों को नसीम शाह का वो वर्जन याद आया जो उन्हें दिखाई पड़ता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। बेहतरीन गेंदबाजी जो थी वो देखने को मिली नसीम की तरफ से, बेहतरीन गेंदबाजी वो डेविड मलान को बोल्ड मारना, लेकिन साथ बहुत ज्यादा नहीं मिला तेज गेंदबाजों का। उनके भाई उबैद शाह बहुत लंबा इंप्रेशन छोड़ नहीं पाए, फहीम अशरफ भी एवरेज गेंदबाज निकल कर आए, और मिल्स जो हैं वो इन एंड आउट रहते रहे तो बहुत इंप्रेशन नहीं रहा। बीच में थोड़ी कोशिश इमाद वसीम और शादाब ने की थी जिसका असर ये था कि जैसे तैसे स्कोर बोर्ड को थोड़ा रोक लिया, लेकिन 144 इज नेवर इनफ एक T20 मैच में पाटा विकेट पर, जहां मौका मिलता है वहां पर चीजें होती गई, जब जब प्रेशर बन रहा था तब तक कोई ना कोई छक्का खा जा रहा था, तो इस वजह से मैच जो है वो बसता चला गया। रिचा हेंड्रिक्स कमाल थे, बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी रही, बाकी रिजवान की बल्लेबाजी ठीक ठाक थी, और बाकी जो ये जीत है वो कम स्कोर की वजह से है। इस मैच के बाद इस्लामाबाद 1 जीती है, मुल्तान 1 जीती है, मेरी नजर में अभी भी इस्लामाबाद एक कंपैरेटिवली बेहतर टीम है, ज्यादा बैलेंस उनके पास मिडिल ऑर्डर या गेंदबाजी यूनिट है, लेकिन परफॉर्म करना, जिम्मेदारी लेना और उस जिम्मेदारी को यूटिलाइज करना, ये बड़ी बात है। शादाब खान को भी सोचना होगा कि पिछले मैच में 3 नंबर बल्लेबाजी और फिर 6-7 नंबर बल्लेबाजी, इसके लॉजिक क्या थे। रिजवान खुश होंगे, पिछला मैच हारे थे, ये मैच जीते हैं, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है, शादाब ने उन्हें पहली बॉल पर आउट किया था। शादाब का मुझे वो भी शॉकिंग लगा कि यार 10वें ओवर में गेंदबाजी,